देखिए पहले हम लोग जान लेते हैं कि अजीम रियाज ने क्या किया है या उन्होंने क्या बोला है। ये जो चीज हुआ है ये अजीम रियाज के द्वारा ही मतलब पूरा सोशल मीडिया में फैला गया है या उनके वजह से ये चीज हुआ है। क्या हुआ है कि उनका एक कुछ नाइट में लाइव कंसर्ट हो रहा था या उनका कुछ प्रोग्राम चल रहा था कि उस टाइम पे उन्होंने ये चीज बोल दिया कि जो लोग लाइव आके फिर मतलब अपना जो काउंटिंग है या व्यूज है वो बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं तो उनको उन्होंने मिडिल फिंगर दिखा दिया। ठीक है, और ये जो मैं यहाँ पे उस वो जो वीडियो है वो तो मैं ऐड करूंगा, लेकिन उस वीडियो में आप मतलब एक बार एक दो चीज है जो आपको कॉन्सेंट्रेट करना चाहिए या ध्यान देना चाहिए वो है कि उन्होंने ये बोला कि जो लोग लाइव आके मतलब जो लोग लाइव आ रहा है तो वो लोग आके मतलब अपना जो फैन बेस है या अपना जो व्यूज है वो बढ़ा रहा है तो उनको मिडिल फिंगर दिखा रहा है। जितने भी रिपोर्टर ने लाइव आके नंबर तीन के लाइव आके नंबर तीन के उनको समझा दो नहीं हो पाएगा। अब आ जाते हैं कि बहुत लोग ये बोल रहे हैं कि नहीं उन्होंने ये जो लाइन में आ गए और उनको मतलब उन्होंने जो बोला मतलब अजीम रियाज ने जो चीज बोला वो फुकरा इंसान या एलविश यादव उनके पास प्रति नहीं था। मैं बोला ये चीज गलत है। इसका जो मेन रीजन है देखिएगा कि एलविश यादव एलविश यादव आपको पता होगा कि इंस्टाग्राम जब उन्होंने लाइव किया था तो वहां पे 589 million लेकिन इन दोनों का हाइस्ट है। हम अपने से मतलब रखते हैं कि भाई हम अच्छे से ग्रो करें, ये नहीं कि टाइम चला गया तो जिस टाइम चला गया तो हाथ मारे आ गया कि किसी को गाली पक देता हूँ ऊपरली साइड से, वो ऐसा कुछ होगा तो हाइप आ जाएगी वो आ जाएगी। इन चीज़ों से मैं थोड़ा ऊपर बढ़ गया, तो देखो कोई गाली गलौज तो मैं दूंगा नहीं भाई, यार भाई थोड़ा गंदा हो रहा हमारे लिए, वैसे मुझे पता नहीं क्यों हो रहा बट गलत सलत बोल रहा, चलो बोलने तो कोई बात नहीं, पर हमारा तो नहीं कि भाई हमारा आगे करके दिखाओ, ये सब सेम चीज है, सामने करो तो मजा भी आया है ना, हमारे सामने करो तो हम देखे अभी ढंग से कौन सी उंगली उठ रही है कौन सी दबानी है, नुका कदम उंगली उठेगी तो पीछे ही जाएगी, सामने उठाई तो ऐसे तो कुत्ते दुनिया जगह भौंक है भाई, ना हमने किसी से लेना देना ना हम किसी की बुराई करते, पर अगर कोई फालतू पंडित की बकवास करा फिर हम छोड़ते भी नहीं, पर सीधी बात है भाई अगर करनी है तो देखो सामने बकचोदी करो पीठ पीछे, तो ये देखो मुझे अच्छा नहीं लगता ना हम किसी के बारे में गाली बकते पीठ पीछे ना कुछ, इतना ही था तो मैसेज कर देता, इतनी खुड़ा कर जलन हो रही थी तो, पर कोई बात नहीं मुझे लगता नहीं कि उसके दिमाग है इतना उसको ये सब चीजें समझ आए, घना वॉयलेंट है हमारा भाई घना वॉयलेंट है। आप वो एक लाइन है तो ऑनलाइन बीफ जेड कर दे कुछ मेरा बाल भी नहीं पड़ता, ये भाई हर्षित मुसे वाला फैंस ऑलवेज ऑनलाइन सारी लाइन है इनके पास हर चीज के लिए, और इसका एक और रीजन है कि फुकरा इंसान अभी मुंबई में है अभिषेक आपका और मनीषा का अभिषेक
आकांक्षा हो गया अभी, आकांक्षा आकांक्षा हो गया। आपने तो ऑफर किया था, मैंने ऑफर दिया था आपने, इंटरव्यू में कहा था आपने, जॉब में बोला था कि आपने ऑफर दिया मैंने, से आप गाने भी वाले एक्सेप्टेंस नहीं हुई हो जाएगी वो भी। हमने तो आप जब ये जो अजीम मियां वर्सेस एलविश यादव, ये जब कंट्रोवर्सी में आप देखेंगे ना, बहुत सारे लोग ये बोल रहे हैं कि ये तो कंट्रोवर्सी जानबूझ के एलविश यादव को ज्यादा से बॉय क्रिएट किया गया था। इसका जो मेन रीजन है, क्योंकि मेन रीजन था वो था कि इनका जो म्यूजिक वीडियो आने वाला था ना, तो उसके लिए एक प्रियर्स है। नाउ मैं दर्शकों से एक चीज पूछना चाहता हूं कि एलविश यादव ने ये जो किया काम किया है, ये क्या सच में एक प्रियर्स स्टैंड है